हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आई मैग्नस में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की चर्चा के विषय में तो बात की जाए तो हमेशा ही चर्चा का विषय बना ही रहता, किसी ना किसी कारण से पाकिस्तान की चर्चा होती रहती, इसीलिए आज का हमने टॉपिक चुना है पाकिस्तान। और दूसरा, करंट की जो चर्चा का मेन यहाँ पर विषय था वो कल भी हम बात कर चुके थे, जिसमें हमने चश्मा प्रोजेक्ट के बारे में कल की क्लास में बात की थी, जिसमें चीन और पाकिस्तान के बीच में चश्मा प्रोजेक्ट जो साइन हुआ है। तो चीन के बारे में कल मैंने आपको सारा बता दिया था, इसीलिए इसी खबर से जुड़ा हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो चीन के द्वारा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, इसलिए हमने चीन की पूरी स्टडी कर ली। और चीन के द्वारा ये प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, पाकिस्तान में। तो इसलिए इस पाकिस्तान को भी पढ़ना जरूरी, और हमारा पड़ोसी देश है तो इस पड़ोसी को भी अच्छे से समझना है। अगर पड़ोसी को अच्छे से समझेंगे तभी उसके बारे में कुछ कर पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि दुश्मन को पहले जान लो, तो जानोगे तो तब कुछ कर पाओगे। तो इसको पहले हमें अच्छे से जानना। विश्व के सारे देशों के बारे में पढ़ा है हमने, सब कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों के बारे में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। तो आइए आज पाकिस्तान के बारे में डिटेल से चीजें समझेंगे। तो चश्मा प्रोजेक्ट कल भी हमने बात की थी कि चीन के द्वारा 4.8 मिलियन डील साइन की गई है, चीन के द्वारा पाकिस्तान की। ये जो बेल्ट है पाकिस्तान का, यहां पर पाकिस्तान का एक पंजाब बेल्ट है। तो इस पंजाब बेल्ट में एक जगह पड़ती है चश्मा, उसी चश्मा में इस प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है, और इसका नाम रखा गया चश्मा फाइव प्रोजेक्ट। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है, चश्मा फाइव प्रोजेक्ट। तो इसके कल भी चर्चा कर चुके थे, दोबारा से फिर देख सकते हैं। तो चश्मा फाइव प्रोजेक्ट का देखा जाए तो अभी तक पाकिस्तान चीन के बीच में जो प्रोजेक्ट लगाया जाए 1200 मेगावाट है, और इससे पहले जो इसकी कैपेसिटी थी वो 1400 मेगावाट की थी। तो अब ये 1200 मेगावाट का और प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। पाकिस्तान के कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो पहले से ऑलरेडी काम करते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है यहां पर कराची में, तो कराची के अंदर भी एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो कराची के अंदर आपका जो है वो है न्यूक्लियर पावर। तो कराची में जो पावर प्लांट है वो कौन सा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक, कराची। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी, तो मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो लगा हुआ है वो आपका थर्मल पावर प्लांट है। तो मुजफ्फरगढ़ में जो पावर प्लांट लगा वो थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा थार का जो डेजर्ट एरिया है यहां पर भी एक पावर प्रोजेक्ट लगाया गया, ये आपका कोल माइंस के आधार पर लगाया गया है, कोल पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा साहिवाल में भी प्रोजेक्ट लगाया गया, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। तो ये भी क्या, यहां पर एक थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये क्या था आपका, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी क्या है, थर्मल पावर प्लांट। तो ये कई बार थर्मल पावर प्लांट पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो चश्मा वाला बेल्ट है, चश्मा में लगाया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कोल पावर प्लांट। तो पाकिस्तान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में पावर प्लांट लगे हुए हैं, भारत के अंदर बहुत सारे पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं, थर्मल पावर प्लांट है। लेकिन पाकिस्तान बेचारा, आप जानते हैं कि लगभग डेजर्ट एरिया है, गरीबी की तंगी की आर्थिक स्थिति में चल रहा है, तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। तो एक कराची के अंदर याद रखना है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थार के अंदर कोल माइन पावर प्रोजेक्ट है, मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी आपका थर्मल पावर प्लांट है, और चश्मा में आपका न्यूक्लियर। तो दो जगह इसके, तो कराची में और चश्मा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब क्या हो रहा है कि चीन के द्वारा इसी जगह, तो चश्मा में ही एक चश्मा फाइव करके पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसमें 4.8 बिलियन डॉलर्स की, यूएस डॉलर्स की डील की गई है। इसके अलावा तो ये सारी चीजें हमने कल भी चर्चा कर चुकी थी कि पाक के आर्थिक संकट में चीन के द्वारा इसको मदद दी जा रही है। तो ये मदद केवल चीन के द्वारा ही नहीं, इससे पहले सऊदी अरब देशों के द्वारा भी मदद प्रदान की जा रही है, ठीक है, यूएई जैसे जो देश है इन देशों के द्वारा भी इसको मदद प्रदान की जा रही है। ऐसी घड़ी में जहां पर वर्ल्ड के बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF जैसे देशों ने इसको लोन देने से मना किया, उसके बावजूद भी ये देश इसकी मदद करने के लिए तैयार। और चीन की पॉलिसी आप शुरू से जानते हैं, चीन की जो पॉलिसी रही है वो पॉलिसी है कि किसी भी गरीब राष्ट्र को या छोटे राष्ट्र को बड़ी मात्रा में मदद की जाए,
धन मुहैया कराया जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किया जाए। आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने से क्या होगा कि वहां पर वो किसी भी तरीके से उसका यूज, जैसे श्रीलंका वगैरह हो गया, पाकिस्तान, तो इन सारे देशों को कर्जा दे दे के चाइना चाह रहा है कि अगर इन सारे देश उसके अंडर में आ जाते तो वहां पर ये अपने बेस कैंप बना सकता और भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति बना सकता। जैसे सी पैक वगैरह आप जानते हैं, ठीक है, सी पैक वगैरह जो बना हुआ है, ठीक है, कॉरिडोर वगैरह, ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की अगर विश्व स्थिति के बारे में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान की विश्व स्थिति भारत के पास में, मतलब ये दक्षिण एशिया का एक देश है, तो दक्षिण एशिया के अंदर इसकी स्थिति आपको मिल जाएगी, भारत का पड़ोसी देश है, यहीं पर मिल जाएगा। और 1971 का युद्ध में आपको डिटेल से पढ़ा चुका था, इसी 1971 में जो पश्चिमी पाकिस्तान था, तो इधर था पश्चिमी पाकिस्तान और इस साइड था पूर्वी पाकिस्तान, तो 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान को क्या किया, अलग कर दिया गया था यहां से। आज इसी पूर्वी पाकिस्तान में बन चुका है बांग्ला, और पश्चिमी पाकिस्तान की आज जो वर्तमान पाकिस्तान है उसकी हमें स्टडी करना है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है। अब यहां पर आपको दो मैप दिखाई देंगे, अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड देखा जाए तो विश्व स्तर पर जो आपको मैप दिखाया जाता है वो इस तरीके का मैप की स्टडी दिखाई जाती है। तो ये पाकिस्तान का मैप है, लेकिन यहां पर ये गिलगित जो बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, ये पूरे का पूरा यहां पर विवादित क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र कैसा है, विवादित स्थल है, इसी क्षेत्र को लेकर यहां पर क्या दावा पेश किया जाता है। तो ये विवादित स्थल है यहां पर बाल्टिस्तान वाला, सॉरी गिलगित और बाल्टिस्तान, तो विवादित स्थल होने के कारण जब पाकिस्तान अपना नक्शा दिखाता है तो पाकिस्तान इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे बेल्ट को क्या करता है, अपने क्षेत्र के अंतर्गत दिखा देता है। तो यह पूरा बेल्ट पाकिस्तान अपने क्षेत्र के अंतर्गत दिखाता है, लेकिन जब भारत अपना नक्शा पेश करता है तो भारत इस पूरे बेल्ट को क्या करता है, अपने क्षेत्र में दिखाता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो भारत के अकॉर्डिंग अगर हम पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो पाकिस्तान का मैप यहां से, तो यहां पर जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र था वो इंडिया के मैप में शो किया जाता है। तो इसी क्षेत्र को लेकर दोनों क्षेत्रों में विवाद है, तो यहां पर आज इसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये गिलगित बाल्टिस्तान क्या है, इसमें एलएसी एलओसी क्या है, और ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर का येलो जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है आजाद कश्मीर। तो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकार में है, और पाकिस्तान इसको क्या बोलता है, आजाद कश्मीर। आपको याद होगा कि 1971 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में जब भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान को पराजित कर दिया गया था, 1971 के युद्ध में भारत के द्वारा इस आजाद कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया गया था। अगर भारत वहां पर चाहता, भारत वहां पर चाहता तो 1971 के युद्ध के आत्मसमर्पण के समय भारत इस पूरे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में ले सकता, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, यहां पर साइन करके इस क्षेत्र को फिर से पाकिस्तान को वापिस कर दिया। जिसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि अगर हम विश्व स्तर पर किसी क्षेत्र को अपने दबाव में लेते हैं तो दबाव में लेने पर उसमें जो शर्तें साइन की जाती हैं, तो शर्तों में इस भारत की तो शर्तें अकॉर्डिंग होंगी, तो पाकिस्तान को उसमें शर्तों के अंदर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो अंतरराष्ट्रीय छवि बनाने के लिए यहां पर क्या, इस क्षेत्र को पाकिस्तान को वापिस कर दिया गया, जिससे ये ना हो कि जैसे कहते हैं कि किसी को अपने कब्जे में करना फिर उससे कुछ भी करवाना। तो हमने पाकिस्तान के साथ कोई भी नाइंसाफी यहां पर नहीं की, सिर्फ बांग्लादेश को आजाद कराया, जिस क्षेत्र पर अधिकार किया था वो क्षेत्र इसका वापस कर दिया, ठीक है। तो ये भारत की पॉलिसी है। तो ये दोनों मैप आपको क्लियर हो गए। तो यहां तक का जो मैप है ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है इसी बेल्ट को लेकर विवाद है कि ये बेल्ट पाकिस्तान का या भारत का है। तो आजादी के बाद ही, आजादी के बाद से इस क्षेत्र में आपकी, तो 1947 में, तो 1947 में जैसे ही भारत की आजादी और विभाजन की रूपरेखा तैयार होती है तो आजादी के साथ ही विभाजन, यहां पर आप जानते हैं कि आजादी के बाद देशी रियासतों के एकीकरण, तो भारत में क्या चल रहा था कि जो देशी रियासतें थी उनके एकीकरण का प्रयास किया जा रहा था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो वल्लभ भाई पटेल का यहां पर पूरा प्रयास था कि किसी तरीके से देशी रियासतों का पूर्णतः एकीकरण किया जाए, मतलब पूरी रियासतों को भारतीय क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाए। और पूरी रियासतों को जब शामिल किया गया, केवल तीन रियासतें आप जानते हैं कि जिन्होंने भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होने से मना कर दिया,
जिनमें एक रियासत थी आपकी जम्मू कश्मीर, एक रियासत थी आपकी हैदराबाद और एक रियासत थी जूनागढ़। जब इन तीनों रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया गया तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इन रियासतों को मिलाने का प्रयास किया गया। जूनागढ़ को आप जानते हैं जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया था। तो यहां पर क्या होता है कि जब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर ये पूरे का जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, जैसे इस मैप में दिखा रहा हूं, पीछे चला गया मैं, यहीं पर समझ लो अभी। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो थे उस समय हरि सिंह, एक मिनट, तो जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। तो हरि सिंह उस समय, आप देखोगे ये पूरे का पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और नीचे वाले क्षेत्र में, इस साइड मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, नीचे वाले में हिंदू राष्ट्र है, जो कश्मीरी पंडित आप जानते हैं। तो राजा जो हरि सिंह था ये भी क्या था, हिंदू था। तो हरि सिंह का इतना तो क्लियर था कि ये कभी भी पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। हरि सिंह का ये कहना था कि मैं ना तो भारत में मिलूंगा ना पाकिस्तान में मिलूंगा, मेरा अपना स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, स्वतंत्र देश रहेगा। लेकिन जैसे ही 1947 के बाद चीजें स्टार्ट होती हैं तो पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर अटैक स्टार्ट कर दिए जाते हैं। जैसे ही पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर अटैक किए जाते हैं तो हरि सिंह की सेना इन पाकिस्तानी घुसपैठियों का सामना करने में असमर्थ होती है। हरि सिंह यहां से पहुंच जाते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में जब जाते हैं उस समय वल्लभ भाई पटेल वगैरह, ठीक है, गृह मंत्री वगैरह, और उस समय आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, तो इन लोगों से जब हरि सिंह का वार्तालाप होता है तो वार्तालाप में यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि हरि सिंह इस क्षेत्र को भारत में विलय कर दे और भारत बदले में ये पूरी सेना को पीछे हटा देगा। काफी समय तक लंबी बात चलती रहती, 3-4 दिन तक, तब तक सेना काफी और ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती है, तो इन पूरे क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना इंटर कर जाती। फाइनली यहां पर जो डिसीजन होता है वो शर्त ये लगती है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का विलय भारत में कर लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर स्वायत्ता प्रदान की जाएगी, मतलब स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। तो इसी में एक विलय पत्र साइन किया जाता है। तो जब यहां पर विलय पत्र साइन कर लिया गया तो विलय पत्र साइन किया गया और विलय पत्र की शर्तों के तहत ही आपका अनुच्छेद 370, तो अनुच्छेद 370 के तहत क्या किया गया, पाकिस्तान का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, मतलब जैसे कटोरे के अंदर कटोरा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल कर लिया गया और उसको कुछ विशेष राइट वहां पर दे दिए गए। इन्हीं सब चीजों के चलते जब सारी शर्तें हो गई तो पटेल जी का कहना था कि अब सारा कुछ हो गया तो सेना को पाकिस्तान में भेजा जाए और जितनी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना आ चुकी है उन सारी सेनाओं को यहां से वापस निकाला जाए। लेकिन हमारे प्यारे नेहरू जी यहां पर अंतरराष्ट्रीय नेता बनना चाहते थे, तो अंतरराष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में ये मुद्दे को ले जाते हैं यूएनओ में। तो ये चाहते थे कि हम नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व स्तर पर हमारी भी छवि बननी चाहिए, तो अपनी छवि बनाने के चक्कर में ये इस मुद्दे को उठा के ले जाते हैं यूएनओ। और यूएनओ वैसे ही, यूएनओ की अगर बात की जाए, वर्ल्ड वार की समस्याओं को सुलझाने के लिए बना हुआ था, उस समय ही फिलिस्तीन का मुद्दा भी बड़े जोरों पर चल रहा था, तो इन सारी समस्याओं से घिरा यूएनओ भारत जैसी क्षेत्रीय समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं था। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में चेक डालते हैं, तो भारत की एप्लीकेशन भी एक ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया और कहा गया कि समय रहते, जब समय मिलेगा, इस मुद्दे पर बात की जाएगी। हाँ, इतना डिसीजन दे दिया गया तो कहा गया कि जहां तक पाकिस्तानी सेना घुस आई है वहां पर क्या किया जाए, एक लाइन खींच दी जाए। तो वहीं पर क्या किया जाए, एक लाइन का निर्माण किया जाए और उसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। तो यह बना दी गई LOC 1947 के बाद। क्लियर हुआ? तो यह सब नेहरू जी की मेहरबानियां हैं। अगर नेहरू जी पटेल जी की मान लेते तो ये पूरी समस्या भारत में कभी होती ना, कभी 370 बनता और ना ये सारी समस्या होती 370। और 370 जानते हैं वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा इस 370 को भी हटा के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया। तो अब 370 की समस्या भी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट है, अभी 2018 में बने थे। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो अभी प्रेजेंट में बने हुए वो है शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ यहां पर क्या है, नए प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शरीफ। तो दोनों चीजों को आप याद रखेंगे,
कैपिटल आप जानते हैं इसकी क्या है, इस्लामाबाद। यहां पर पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ, एक मिनट, इसमें जम्मू कश्मीर वाला मैप कहां चला गया, कट गया कि है या नहीं। अच्छा इसके बाद चला गया, पहले मैं इसको बताता हूं। देखो देखो ये था, तो यहां पर जो हम देख चुके थे, एक मिनट यार, तो मुद्दा इस चीज पर चला था कि किस तरीके से यहां पर ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र को बनाया गया, कैसे एलओसी का निर्माण किया गया। तो इसी को पहले समझ लेते हैं फिर पाकिस्तान को समझ लेंगे। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से निर्माण किया गया था सारे जम्मू कश्मीर को, ये पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है। इस जम्मू कश्मीर के मैप को अगर हम समझते हैं तो जम्मू कश्मीर के इस साइड का जो हिस्सा है, तो 1962 के युद्ध में, तो 1962 के युद्ध में अगर हम जाते हैं तो 1962 के युद्ध में चीन के द्वारा इस क्षेत्र पर क्या है, अधिकार कर लिया गया था, और इसी को कहा जाता है अक्साई चीन। तो यह क्षेत्र जो भारत के पास था वो 1965 की पराजय के बाद किसके पास चला जाता है, चीन के बाद, इसी का नाम दिया गया हमने अक्साई चीन। तो जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा किसके अंडर में चला जाता है, चीन के अंडर में चला जाता है, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के इस साइड का ऊपर का जितना भी ये ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई देता है, इस ग्रीन बेल्ट की अगर हम बात करें तो इस ग्रीन बेल्ट के अंदर दो क्षेत्र मिलते हैं, एक गिलगित वाला और एक बाल्टिस्तान। तो इसको पूरे को गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस गिलगित और बाल्टिस्तान के बाद जो एरिया बसता है वो है भारत का जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट स्थिति में। तो ये हिस्सा पूरे का पूरा रेड वाला चीन के पास चला गया, ग्रीन वाला हिस्सा हमारा विवादित है, या ये कहें कि पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है, जिसको कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर बसता है, इधर का क्षेत्र हमारा लद्दाख बसता है। ये विवादित क्षेत्र है, पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है, भारत अपने मैप में दिखाता है। तो क्लियर हो गया, ये चीन के पास है, ये पाकिस्तान के पास है, ये हमारे पास बचा हुआ है, और ये जो क्षेत्र है ये है आपका आजाद कश्मीर। तो इधर का जो कश्मीर है वो हमारे पास है, इधर वाले कश्मीर को पाकिस्तान क्या बोलता है, आजाद कश्मीर कहता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र बच जाता है इस पूरी लाइन के ऊपर, इसमें इतना क्षेत्र जो पहले ये क्या था कि पाकिस्तान के अंडर में था, पाकिस्तान ने इतना क्षेत्र क्या कर दिया गया, इसको कहा जाता है शंखसकाम घाटी। तो शंखसकाम घाटी बोल देना थोड़ा क्लास में, ठीक है, बोल दो क्लास में थोड़ा। तो शंखसकाम घाटी को क्या किया गया, सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना 1963। तो 1963 में सोचो पाकिस्तान ने हमारा क्षेत्र किसको, जो पाकिस्तान के कब्जे में था, और एक संधि के तहत इस शंखसकाम घाटी, ये पूरे का पूरा जो शंखसकाम घाटी वाला बेल्ट है ये किसको दे दिया गया, चीन को। सिर्फ कॉपी रजिस्ट्री होती है, तो ये पूरा क्षेत्र किसके पास चला गया, चाइना के पास। इसके बाद ये जो क्षेत्र बसता है हमारा, इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन पर भी आप जानते हैं पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, ये पूरे का पूरा ग्लेशियर एरिया। इस अक्साई चीन के ऊपर हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, और 13 अप्रैल 1984 को इसको हमने पूरी तरीके से आजाद करवा लिया। ये भारत के कब्जे में, ये आपका चीन के कब्जे में चला गया, जिसको कहते हैं शंखसकाम घाटी, और अक्साई चीन ऑलरेडी चीन के पास है। और ये पीओके वाला जो बेल्ट है ये आपका पाकिस्तान के अंडर में, या ये कह सकते हैं विवादित क्षेत्र है, भारत के पास केवल ये क्षेत्र बसता है। इसी समय यहां पर क्या होता है कि जो अक्साई चीन और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बनाया गया, इसको कहा जाता है एलएसी 1962 में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो पूरी की पूरी लाइन आती है, इस लाइन को कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दो लाइनें याद रखेंगे, तो पीओके वाले बेल्ट और जम्मू कश्मीर के बीच में जो लाइन है 1972 में एलओसी खींची गई थी, और जम्मू कश्मीर या लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है एलएसी। ठीक है, भारत के जो उरी, पूंछ वगैरह, ये सारे संगम वगैरह, ये सारे क्षेत्र आपके मिल जाएंगे, मुजफ्फराबाद वगैरह। तो ये आपकी कहानी होती है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की। इसके अलावा जो मैप था हमारा रह गया था उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो अब हम पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये पूरे का पूरा बेल्ट बनता है आपका बलूचिस्तान। इस बलूचिस्तान को लेकर भी विवाद बना रहता है, तो बलूचिस्तान में भी अलग राष्ट्र की मांग को लेकर एक मुद्दा बना रहता है काफी समय से। यह है बलूचिस्तान वाला बेल्ट। बलूचिस्तान के नीचे है आपका सिंध का बेल्ट, तो बलूचिस्तान सिंध, इस पूरे क्षेत्र को लेकर अलग मांग चलती है। इसके बाद ये जो बेल्ट है रेड वाला, ये है पंजाब बेल्ट। ये पंजाब एक तो भारत वाले बेल्ट में, तो जो पंजाब आपका पाकिस्तान से इधर रह गया था वो भारतीय पंजाब बन गया, और कुछ बेल्ट कहां चला गया पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान का पंजाब बन गया। इसके बाद जितना भी ये ग्रीन वाला बेल्ट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं खैबर पख्तूनख्वाता। तो ये खैबर वाला बेल्ट मैंने याद रख लेना, तो ये ग्रीन बेल्ट हो गया। तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी यही क्षेत्र, एक बलूचिस्तान, एक सिंध, एक पंजाब और एक खैबर। ये ब्लू वाला जो बेल्ट देखेंगे ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। इस क्षेत्र को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है, भारत अपने नक्शे में डालता, पाकिस्तान अपने में। तो ये आप याद रखना, ये पूरे का पूरा कैसा है, डिस्प्यूट एरिया है, इसको लेकर आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये पूरे का पूरा क्या है, डिस्प्यूट वाला एरिया। डिस्प्यूट क्या वो मैं आपको, ये बेल्ट अगर हम देखेंगे तो ये क्या था हमारा, तो इसको कहा जाता था आजाद कश्मीर। तो ये था आजाद कश्मीर वाला बेल्ट, इधर आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा। इसी के अंदर आपको इसकी कैपिटल एक शहर मिल जाता है आजाद कश्मीर और खैबर के बॉर्डर पर जुड़ा, जिसको बोलते हैं मुजफ्फराबाद, जिसको भारत की सीमावर्ती क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद इसी पंजाब प्रांत में इसकी राजधानी मिल जाती है इस्लामाबाद। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिल जाएगा, एक शहर यहां पर मिल जाएगा लाहौर, और लाहौर के बाद एक सिंध प्रांत में क्षेत्र मिल जाएगा कराची, जो 1971 में कराची पोर्ट पर ऑपरेशन ट्राइटन चलाया गया तो इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इसके अलावा एक शहर आपको याद रखना है पेशावर, तो ये मुख्य मुख्य शहर याद रखेंगे। मुजफ्फराबाद कैपिटल जो है इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, और उसके बाद आपको मिल जाएगा पेशावर। ये पॉलिटिकल मैप था, ये मैं आपको करवा चुका हूं। अब थोड़ा फिजिकल मैप की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में अगर हम देखेंगे, तो फिजिकल में अगर आप पूरे का पूरा मैप को देखेंगे तो यहां पर आपको इस साइड का बेल्ट पूरे का पूरा ग्रीन दिखाई देगा, इस साइड का पूरा बेल्ट आपको डार्क ब्राउन दिखाई देगा। इसका मतलब ये पूरे का पूरा माउंटेन एरिया है, ये पूरे का पूरा आपका ग्रीन बेल्ट है, सिंधु नदी का बेल्ट। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला बेल्ट याद रखना, ये जो बेल्ट है ये आपका वही गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, यो आपका विवादित क्षेत्र है, ठीक है। इसी के अंदर भारत की काराकोरम रेंज वगैरह, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणियां वगैरह मिल जाती हैं। हम यहां से पाकिस्तान को स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के अंदर एक रेंज है जिसको कहा जाता है हिंदू कुश रेंज। तो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में रेंज मिलती है हिंदू कुश रेंज, और हिंदू कुश रेंज का जो दक्षिणी विस्तार है वो पाकिस्तान में, जिसमें सबसे ऊंची चोटी मिलती है त्रिचमीर, TRI कर लेना, त्रिचमीर। तो ये त्रिचमीर कहां पर है, पाकिस्तान में। तो हिंदू कुश अफगानिस्तान में है, दक्षिणी भाग पाकिस्तान में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिचमीर पाकिस्तान में। इसके अलावा यहां पर आप नीचे जाएंगे हिंदू कुश के नीचे, यहां पर एक लंबी रेंज मिल जाती है जिसका नाम है सुलेमान रेंज, और सुलेमान के रेंज के नीचे किरथर रेंज, और किरथर के आगे मकरान। तो किरथर मकरान आपके इस साइड चलते हैं, मकरान आगे जाके इस साइड जो देश मिलेगा वो है ईरान। तो मकरान की सीमा किससे टच कर जाती है, ईरान से टच कर जाएगी। तो सुलेमान, किरथर और मकरान। इससे ऊपर जाएंगे तो सिहान पर्वत मिल जाएगा, सिहान पर्वत से ऊपर ये सारे के सारे रेंज है याद रखना। इसी के ऊपर मिलेगा शगाई, शगाई का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, और पाकिस्तान के द्वारा जो अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, तो पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो इसी शगाई रीजन में ही किए थे। तो पाकिस्तान के जो आप न्यूक्लियर टेस्ट देखेंगे भारत की तरह, वो आपको इसी शगाई रीजन में मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर एक रेंज और मिल जाएगी जिसको कहते हैं टोबा कंकर रेंज, ठीक है। तो ये सिंधु कुश, सुलेमान, किरथर, मकरान, सिहान, शगाई और टोबा। इसके अलावा यहां पर आपको एक इसी सुलेमान रेंज में इस जगह पर आपको एक दर्रा मिलता है, इस दर्रे को कहा जाता है बोलनघाट दर्रा। तो ये बोलनघाट दर्रा आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, इसी सुलेमान रेंज के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में। सुलेमान रेंज के उत्तरी हिस्से में जाएंगे तो यहां पर आपको एक दर्रा मिल जाता है जिसको बोलते हैं खैबर दर्रा। तो दो दर्रे याद रखेंगे, बोरन दर्रा और खैबर दर्रा। इसके अलावा झील वगैरह कोई ज्यादा यहां पर खास है नहीं, ये पूरे का पूरा थार डेजर्ट, ये पूरे का। तो ये हो गया आपका फिजिकल माउंटेन वाला एरिया। माउंटेन एरिया के इस साइड ये है पूरे का पूरा ग्रीन एरिया, जहां पर मुख्य नदी मिलती है आपको सिंधु नदी।
तो सिंधु नदी को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखें, फिजिकल में देखेंगे यहां पर हिंदू कुछ पढ़ लिया था, यहां पर आपकी सुलेमान रेंज आ जाएगी, सुलेमान के नीचे किरतर और इस साइड मकरान टोबा वगैरह सारे बोरन घाट खैबर दर्रा मिल जाएंगे, ये फिजिकल था। तो इस हाफ नक्शे के इधर का जो एरिया वो सिंधु नदी का एरिया, तो इसमें जो सबसे प्रमुख नदी मिलती है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम आप जानते हैं तिब्बत के पठार से होता है, भारत से होने के बाद ये आपके पीओके वाले बेल्ट से होते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद इसका मुहाना अरब सागर में होता। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो यहां पर एक सहायक नदी मिलती है चिनाब, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है, हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद चिनाब नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। चिनाब के एक सहायक नदी मिलती है जो इन दोनों देशों की सीमा पर है, तो इसको कहा जाता है झेलम नदी। तो चिनाब की सहायक नदी का नाम क्या है, झेलम नदी। झेलम नदी भी पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। इसके बाद चिनाब की सहायक नदी झेलम, उसके बाद एक छोटी सी नदी मिलती है जम्मू कश्मीर में तवी, और उसके बाद एक प्रमुख नदी मिलती है रावी। रावी नदी भी आपकी चिनाब नदी के आसपास के क्षेत्रों से निकलकर आती है, ठीक है, दोनों इसी जगह हिमाचल प्रदेश से ये निकलकर जाएंगी। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये पंजाब हिमाचल को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में जाके मिल जाएगी। तो ये नदी इससे मिल जाएगी, ये नदी, कुल मिला के जो बड़ी नदी है वो है चिनाब नदी। तो चिनाब की ही सहायक नदी है झेलम, चिनाब की सहायक नदी है रावी, और चिनाब किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। इसके बाद इस साइड से एक नदी आती है तिब्बत के पठार से, जिसको कहा जाता है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी भी जाके किससे मिल जाएगी, चिनाब नदी से। तो सतलुज नदी भी चिनाब नदी से मिलेगी, ये भी चिनाब से, ये भी चिनाब से, और चिनाब जाके किससे मिल जाएगी, इंडस नदी से। तो ये भारत की ओर से प्रवाहित नदियां होती हैं जो पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल जाती हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। सतलज की भी एक सहायक नदी है ब्यास नदी। रावी और ब्यास का उद्गम एक जगह से, हिमाचल से, पंजाब से होते हुए ये भी पाकिस्तान में जाके मिल जाते, इसलिए ये पूरब वाला बेल्ट जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये इस साइड की नदियां हो गई। कुछ नदियां आपके इस साइड से आती, जिसमें प्रमुख नदी आपकी काबुल नदी। काबुल की एक सहायक नदी है स्वेट नदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया स्वेट घाटी के बारे में, तो काबुल नदी स्वेट घाटी, और स्वेट नदी के पास में ही आपको एक नदी और सिंधु से मिल जाएगी। तो स्वेट काबुल की सहायक नदी है, स्वेट काबुल की सहायक नदी, और काबुल किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, और सिंधु की एक सहायक नदी और मिलती है हुंजा नदी। तो सिंधु की ही एक सहायक नदी का नाम क्या है, हुंजा नदी। इसके अलावा सिंधु से और अफगानिस्तान की तरफ से नदी आती है, जिसमें एक कुराम नदी, कुर्राम नदी के बाद एक नदी मिल जाती है, ये कुर्राम रिपीट हो गया, कुर्राम नदी के बाद मिल जाती है आपकी एक गोमल नदी। तो ये जो नदियां हैं ये आपकी कहां पर मिलती हैं, पश्चिम की साइड से, अफगानिस्तान से आती हैं और सिंधु नदी से मिल जाती हैं, और ये नदियां आप देखेंगे भारत की तरफ से जाती हैं और सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो इस साइड आपके पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में आपके पूरे का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, और जो पश्चिम का क्षेत्र जिसमें यहां पर हिंदू कुश रेंज मिल जाती है, हिंदू कुश के बाद यहां पर आपको पूरी की पूरी सुलेमान रेंज मिल जाएगी, सुलेमान रेंज के बाद यहां पर आपको किरथर रेंज मिल जाती है, और किरथर के बाद यहां पर आपको मकरान रेंज मिल जाती है, यहां पर आपको छगाई पर्वत मिल जाता है, जहां पर गोलन घाट दर्रा मिल जाता है, यहां पर आपको खैबर दर्रा मिल जाता है। तो पश्चिमी हिस्सा पूरे का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्वी हिस्सा पूरे का पूरा मैदानी और डेजर्ट का एरिया है, जहां पर आपको थार डेजर्ट की स्थिति देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के पड़ोसियों में जाएंगे, इस साइड आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा, इस साइड आपको ईरान का मिल जाएगा, इस साइड अरब, और इस साइड भारत की स्थिति आपको मिल जाएगी। तो ये इसके कुछ पड़ोसी देश हैं। तो इसी के साथ आपके पाकिस्तान की कहानी भी कंप्लीट होती है। तो फिर कल नई क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।